क्योंकि फ्रेंड्स आज मेरे पास ये विंडो एसी का पीसीबी है और इसमें जो प्रॉब्लम है कि इसमें जो कंप्रेसर का आउटपुट है वो नहीं आ रहा है। तो अभी देखिए मैं इसको एक बार ऑन करके बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अभी ऑन किया, ये फैन मोड पे लगा हुआ है। तो पहले मैं इसको कूलिंग मोड पर लगा लेता हूँ और कूलिंग मोड पर लगाने के बाद मैंने इसमें चेक किया कि इसमें सप्लाई नहीं आ रहा है। मैं कर चुका हूँ इसको चेक और इसमें देखिए एक चीज़ बता देता हूँ मैं, ये जो इंडिकेटर जल रहा है इसके मतलब इसमें वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कि इसमें चालू होना चाहिए, मतलब सेंसर वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें देखिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ, अभी इसमें सेंसर लगा हुआ है, ये जो सेंसर लगा हुआ है देखिए, और इसे यहाँ पे किसी ने जोड़ा हुआ अभी है, ये सेंसर इसमें जोड़ के देखा है किसी ने चालू करके। तो इसे मैं अभी निकाल देता हूँ, ठीक है। सेंसर मैंने निकाल दिया, तो यहाँ पर ये जो लाइट है ये आपका ऑफ हो जाएगा। देखिए अभी मैं इसको बंद करके चालू करता हूँ क्योंकि अभी इसमें सेंसर नहीं लगा हुआ है। तो ये जो लाइट है अभी देखिए कूल के ऊपर जो लाइट आ रहा था ये एक बार ब्लिंक होके बंद हो गया, इसका मतलब अभी इसमें सेंसर नहीं है। तो अभी तो इस कंडीशन में तो इसका आउटडोर चालू नहीं होगा, आउटडोर की ये सप्लाई है वो नहीं निकालेगी। अभी यहाँ पे देखिए कोई सप्लाई नहीं है। तो अभी मैं इसमें देखिए सेंसर लगा देता हूँ, पीसीबी को मैंने ऑफ किया हुआ है और ये जो सेंसर है मैं इसे वापस इसमें लगा दूँगा। तो पहले वाली जो कंडीशन है इसमें लाइट आ रहा था वो लाइट आएगा, लेकिन दो या तीन मिनट के बाद हमारी जो सप्लाई आती है 3 मिनट के बाद वो सप्लाई इसमें आना चाहिए। अभी देखिए मैंने सेंसर को लगा दिया, पावर देता हूँ ऑन किया, तो ये जो मेरा इंडिकेटर है वो आ गया है यहाँ पे। तो अभी इसमें सप्लाई आना चाहिए 3 मिनट बाद, तो वो सप्लाई नहीं आ रही है। अभी देखिए मैं इसके वोल्टेज आपको चेक करके दिखाऊँगा और सारे वोल्टेज हम चेक करेंगे इसमें सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। तो अभी मीटर की एक प्रॉप को मैं ग्राउंड कर लेता हूँ इनमें से। तो यहाँ पे देखिए मैं अभी दोनों प्रॉप को एक साथ नहीं पकड़ सकता हूँ, तो यहाँ पे ये मैंने जो वायर है इसको ग्राउंड कर दिया और इसको मैंने हमारी मीटर की रेड ब्लैक वाली प्रॉप है उसके साथ कनेक्ट कर दिया। तो अभी मैं इसमें देखिए सबसे पहले इसमें सप्लाई चेक करूँगा। ये देखिए मेरा 7805 IC लगा हुआ है इसमें, नीचे की तरफ आप देखेंगे 3 लेग इसका दिख रहा है और इधर से आप देखेंगे तो इसमें हमारा ये IC लगा हुआ है कैपेसिटर के पास में, ब्लैक कलर का जो आप देख पा रहे हो। तो अभी इसी पे मैं वोल्टेज चेक करूँगा, तो इस लेग पे हम देखेंगे हमारा जो 12 वोल्टेज है वो बिल्कुल ओके बन रहा है और बीच वाला पिन इसका ग्राउंड होता है और ये जो साइड वाला पिन होता है इस पे हमारा 5 वोल्ट आना चाहिए। तो इसमें देखिए हमारा 5 वोल्ट भी ओके आ रहा है। तो इसके अलावा देखिए हमारा सप्लाई ये ओके है। यदि इसमें ऐसा होता है कभी कभी कि ये हमारा 12 वोल्ट है जो यदि कम बनेगा तो हो सकता है हमारा कंप्रेसर चालू ना हो और हमारा पीसीबी ऑन हो जाता है, क्योंकि इसमें 5 वोल्ट सप्लाई चाहिए। इसमें यदि 7 वोल्ट तक 6 वोल्ट तक आता है जब भी ये 5 वोल्ट निकाल के दे देता है हमारा प्रोसेसर काम करता है, डिस्प्ले ऑन हो जाता है लेकिन कंप्रेसर चालू नहीं होता है, कभी ऐसा होता है। अभी उसके बाद हम देखेंगे हमारा रिले ओपन तो नहीं है कहीं। तो रिले के देखिए ये दो पॉइंट है, फ्लैश लाइट ऑन कर लूँगा, देखिए ऐसे देखिए। अभी देखिए यहाँ पर हमारा रिले है, यहाँ पर हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई आ रहा है, ये देखिए, ठीक है। ये रिले हमारा सही होगा तो इसमें वाइंडिंग रहती है, वही वाइंडिंग के थ्रू दूसरा सप्लाई यही जो सप्लाई है वाइंडिंग के थ्रू इधर आएगा दूसरी पिन पे, ठीक है। ये आ रहा है हमारा दूसरी पिन पे 12 वोल्ट सप्लाई। अभी देखिए इसमें कौन सा सप्लाई पे हमारा ग्राउंड होगा तो आपको देखिए देखने में ही पता चल रहा होगा। ये जो वाला पिन है ये देखिए यहाँ से एक ट्रैक गया हुआ IC पे, IC के यहाँ पर ये इधर की साइड से आप देखेंगे नीचे की साइड से तो दूसरे नंबर की पिन पर यह ट्रैक गया हुआ है। इसका मतलब ये वाला पिन हमारा ग्राउंड होगा और ये हमारा प्रॉपर 12 वोल्ट है और ये हमारा वेंडिंग के थ्रू इधर शो कर रहा है 12 वोल्ट यहाँ पे भी, ये देखिए मैं अच्छे तरीके से लगाता हूँ, ये हमारा शो कर रहा है। तो ये पिन हमारा ग्राउंड होता है जब ये सब IC हमारा सब इसमें ग्राउंडिंग सप्लाई निकाल दिया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसके 2 नंबर पिन पर ये जुड़ा हुआ है और IC के 2 नंबर पिन पर भी हमारा सप्लाई आ रहा है, ये देखिए। तो यहाँ पर देखिए आपको अलग दिख रहा होगा देखने में यहाँ पर कि यहाँ पर पानी गया हुआ है, मॉइस्चर है। तो इन ट्रैक को अभी हम चेक करेंगे। इसमें देखिए मैंने आपको बताया IC में ये दूसरे नंबर पिन से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे भी मैं देखूँगा दूसरे नंबर ये जो पिन है यहाँ पे 0 वोल्ट सप्लाई है। यदि यहाँ 5 वोल्ट सप्लाई आएगा तो ये IC वर्क करेगी और हमारा ये जो रिले है वो ऑन हो जाएगा वाला रिले। तो इसके हम दूसरे नंबर के ट्रैक से यहाँ पर देखिए ये है, इसको मैं यहाँ से दूसरे नंबर के ट्रैक से इसको मिलाऊँगा। हाँ अभी देखिए इसको मैं यदि दूसरे नंबर के ट्रैक से ये मिलाता हूँ तो ये मेरा ये वाला पॉइंट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए अभी मेरा 5 वोल्ट सप्लाई आ रहा है और यही पॉइंट देखिए मेरा यहाँ से ये IC के पिन नंबर 2 पे जा रहा है। आप एक बार देखिए अच्छी तरीके से दिखाने
तो ये जो पॉइंट आप ट्रेस करोगे अभी देखिए आप इसका ट्रैक जो है आप मिला के देखिए, इसका ट्रैक यही हो रहा है, यही ट्रैक है। और यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट आ रहा है, छोटा करता हूँ थोड़ा, तो यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे मेरा 5 वोल्ट ये आ रहा है यहाँ पर, और यही सप्लाई मेरा लेकिन यहाँ आना चाहिए पिन नंबर 2 पे, ये नहीं आ रहा है। तो अभी मैं क्या करूँगा, एक जम्पर वायर लूँगा, जम्पर वायर से इस पॉइंट से यहाँ पे मैं इसको जम्पर करूँगा आईसी पर 5 वोल्ट। उसके बाद हम देखेंगे कि ये हमारा ऑन होता है रिले या नहीं होता है। इस कंडीशन में हो सकता है हमारा ये जो आईसी है कभी कभी शॉर्ट हो जाता है, तो ट्रैक हमारा जो एम्पियर होता है इसमें से ट्रैक, उसकी वजह से हमारा ट्रैक हो सकता है कि ओपन हो गया हो लोड के कारण, ये आईसी शॉर्ट हो, और वरना हो सकता है ये जो हमारा पानी गया है इसीलिए हमारा ट्रैक ओपन हुआ है। तो अभी मैं इसको जम्पर करके देखता हूँ इसमें सप्लाई आता है या नहीं आता है। तो अभी देखिए मैंने इसमें ये जो जम्पर वायर है मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, ये वायर आप देख रहा होगा तो ये आईसी के साथ कनेक्ट हुआ, और इधर मैंने ये पिन के साइड इसको कनेक्ट कर लिया। तो अभी पीसीबी को मैं ऑन करता हूँ एक बार, ऑन किया तो मेरा कूलिंग मोड वाला जो लाइट है वो जलने लगा, और ये पिन पर अभी हमारा कोई वोल्टेज नहीं होना चाहिए, और देखिए कोई वोल्टेज नहीं है मेरा अभी यहाँ पर, ठीक है। तो अभी 5 वोल्ट आने के बाद हम देखेंगे ये हमारा रिले है वो ऑन होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं वेट करता हूँ और वेट करने के बाद आपको बताता हूँ यहाँ पे वोल्टेज आने के बाद। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर अभी 12 वोल्ट है, मेरा ग्राउंड के साथ चेक करें इस पिन पर, यहाँ पर ये देखिए मेरा 12 वोल्ट है अभी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे हमारा 12 वोल्ट नहीं आएगा, जब यहाँ पे कंप्रेसर ऑन हो जाएगा तो हमारे यहाँ पे 12 वोल्ट नहीं आना चाहिए, यहाँ हमारा 0 वोल्ट आएगा। ये हमारा 0 जैसे ही होगा यहाँ पे 12 वोल्ट होगा, ये रिले मेरा ऑन हो जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे 12 वोल्ट है। तो मैं वेट करता हूँ, और इसके अलावा देखिए मैं आपको कुछ चीज़ और बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये जो प्रॉब्लम है इससे तो मेरा यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, यदि इसमें नहीं हो रहा प्रॉब्लम सॉल्व तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, इसमें ये जो सेंसर दिया हुआ है इसमें एक ही सेंसर है रूम सेंसर, तो आप इसको चेंज करके देखिए। इसको चेंज करने को मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कभी कभी क्या है ये ख़राब हो जाता है, और देखिए ख़राब होने में इसमें 2 रहता है, एक तो ये कभी कभी शॉर्ट हो जाता है बिल्कुल, तो उस कंडीशन में तो ये हमारा जो कूलिंग वाला लाइट है ये हमारा नहीं जलेगा। यदि हमारा लाइट भी जल रहा है और कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है तो इस सेंसर में क्या है ये अपना कभी कभी जो इसका रेजिस्टेंस होता है वो चेंज कर लेता है। और इसमें ऐसा रहता है कि जैसे मतलब पाइप हीट होगा, जैसे रूम का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इसका मान कम होगा, और ये क्या करता है अपना मान को बढ़ा लेता है। अभी देखिए आपको रिले का आवाज़ आया था, तो हमारा मेरे को लगता है कंप्रेसर इसमें ऑन हो गया क्योंकि रिले का हमारा आवाज़ आया था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो 12 वोल्ट आ रहे थे इस पिन पे इसको मैं चेक कर लेता हूँ, इसमें रिले ऑन होने का आवाज़ आया, तो यहाँ पे हमारा अभी रिले ऑन नहीं हुआ है। देखिए रिले का आवाज़ आया था लेकिन अभी नहीं हुआ है मेरा कंप्रेसर स्टार्ट। तो अभी मैं इसमें वेट करूँगा 5 वोल्ट आने तक का, अभी मेरा 5 वोल्ट नहीं आया, रिले का आवाज़ आया था। तो इस सेंसर का मैंने आपको बताया, तो मैं अभी इसमें वेट करता हूँ मेरा रिले स्टार्ट होता है या नहीं होता है। अभी देखिए दोबारा रिले का आवाज़ आया, तो अभी मैं दोबारा यहाँ पे 5 वोल्ट चेक करता हूँ, तो अभी मेरा यहाँ पे 5 वोल्ट आ चुका है, ठीक है। अभी देखिए मैंने जस्ट वीडियो को पॉज किया, दोबारा ये रिले ऑन हुआ, अभी जो शायद रिले का आवाज़ आया, हो सकता है ये वाला रिले इसका आवाज़ आया होगा फैन स्पीड वाला, क्योंकि इसका जो जैक है ये मेरा जो इसका पिन है कुछ घिस वगैरह दिया किसी ने तो वो हिलता है, मैं इसको ग्लू डाल के फिक्स करूँगा। तो यहाँ पर देखिए अभी मेरा 5 वोल्ट यहाँ पर आ गया है, ठीक है, यही 5 वोल्ट मेरा इस आईसी के पिन पर भी आ गया है यहाँ पर, और 5 वोल्ट यहाँ है, मतलब ये आईसी मेरा अभी वर्किंग कंडीशन में है, तो यहाँ पे मेरा 0 वोल्ट आना चाहिए यहाँ पर, तो ये 0 वोल्ट भी मेरा आ रहा है देखिए दोनों चीज़ों के एक साथ, और यहाँ पे मेरा 12 वोल्ट आ रहा है, तो इसका मतलब मेरा रिले ऑन हो गया। और अभी मैं इसको एसी वोल्ट पे लगाया हुआ है, पीसी को पलट के इसको मैं यहाँ पे सप्लाई देखूँगा इस पर हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अभी देखिए मैंने हमारा ये जो ब्लैक वाला प्रॉब है इसको नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर लिया, ये देखिए ये वाला जो ब्लैक वाला वायर है
और मीटर को मैंने अभी एसी रेंट पे चेक किया। पहले मैं इसमें बीसीसी सप्लाई में देखूँगा, 214 वोल्ट आ रहा है ये वाली पिन पे देखिए, सॉरी बीसीसी नहीं, हमारा जो मेन सप्लाई है। और यहाँ पर हम देखेंगे अभी इसमें जो आउटपुट वाला ये जो पॉइंट है, इस पर ही मेरा यही सप्लाई आउट हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा ओके है। अभी देखिए मैंने यहाँ पर वोल्टेज चेक किया तो मुझे पता था मेरा रिले ऑन हो गया, तो यहाँ पर मैंने सप्लाई इसलिए चेक किया है। कभी कभी इसमें ऐसा भी होता है, ये जो पॉइंट है यहाँ पर, इस पर सप्लाई आता है, रिले ऑन होता है, लेकिन ये पॉइंट हमारा डिस्कनेक्ट हो जाता है, इसे यहाँ पर रिले के अंदर कार्बन आ जाता है, तो यहाँ पे हमारी सप्लाई नहीं आती है, रिले ऑन हो जाती है। तो आपको यहाँ ऊपर भी सप्लाई चेक करना है, देखिए हमारा सप्लाई आ गया, मतलब हमारा ओके है। यदि यहाँ सप्लाई नहीं आ रहा है, नीचे रिले ऑन है, तो फिर आपको रिले भी चेंज करना पड़ेगा। तो ओके फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।